हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज हमारी समधन जी का बर्थडे है। आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हुई है, और वो भी बर्थडे वाले दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। बहुत पूजा में बिलीव करती, तो पहले घर में पूजा की, उसके बाद स्वामी सर मंदिर गए। वहाँ की कहते बहुत ही मान्यता है कि जो भी अगर नया काम होता है तो सबसे पहले इस मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। तो बताए बहुत ही पूजा में बिलीव करती है, भगवान को बहुत मानती है, तो जब भी इनका बर्थडे आता है तो सबसे पहले घर में सुबह उठकर पूजा करती हैं, और उसके बाद फिर ये मंदिर जाती है। और ये इनका हर साल का नियम है। बहुत ही नेक दिल हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं। मैं तो बर्थडे उनके साथ पहली बार मना रही हूँ, तो मैं भी उनके साथ मंदिर गई और वहाँ पर हमने पूजा वगैरह की पहले तो, और उसके बाद फिर हम वापस आए घर। बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है ये। और ये देखिए यहाँ पर ये एक बैल बना हुआ, इनके कान में कुछ बोला जाता है तो कहते जो भी आप बोलो वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम यहाँ भी गए, यहाँ भी हमने पूजा अर्चना की, जहाँ जहाँ उनका देवता नाम कर गए। उसके बाद हम घर आए, हमने लंच स्पेशल लंच बनाया, स्पेशल सैलेड थी, बड़े अच्छे से उसको डेकोरेट किया हमने, और साथ में जलेबियाँ जो कि वहाँ पे हमने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था उसी में हमें जलेबी मिली थी, और उनके लिए स्पेशल परांठे हमने बनाए, और बनाई दाल मूठी। देखो कितने कुरकुरे परांठे हमने उनको बना के खिलाए, बड़ा ही स्पेशल फील कराया हमने। कोशिश तो हमारी यही थी, तो स्पेशल ज़्यादा तो वो नहीं खाते, तो जो भी सिंपल था हमने घर में ही बनाया, बाहर का भी नहीं खाते इतना। और देखिए हमने उनको बड़े अच्छे से लंच कराया, देखो अपने बेटे के साथ बैठ कर कितने अच्छे से लंच कराया, और बहुत अच्छा लग रहा है उनको। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आज वो बॉस हैं। बॉस हमने नहीं रहते घर के, लेकिन आज के दिन को वो बॉस बिल्कुल फील कराया। उसके बाद हमने घर में ही केक बनाया, क्योंकि वो बाहर का बहुत ही कम खाती है, घर पर ही बना हुआ खाती। तो हमने बड़ा ही सिंपल सा डेयरी मिल्क और हाइड्रेंसी जो बिस्किट्स आते हैं उसका हमने बड़ा ही सिंपल सा केक बनाया। उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो बिस्किट्स थे उनको हमने अच्छा सा ग्रेंच किया, मिक्सी में हमने उसको बड़े अच्छे से पीसा, बिल्कुल ही बारीक बारीक हमने पीस लिया था, ज़्यादा हमने कुछ नहीं डाला था इसमें। और उसके बाद ये देखिए जो हमारा इसमें सारा पिसा हुआ आया, ये बहुत ही देखो पाउडर टाइप से बन गया है। इसको हमने एक बाउल में डाला, क्योंकि हमने इसमें कुछ एक दो चीज़ें मिक्स करनी थी, तो एक मिक्सिंग जितनी अच्छी से होती है उतनी ही अच्छी चीज़ बनती है। तो इसमें हमने बस थोड़ा सा दूध डाला, और कुछ बादाम और काजू थे उनको हमने बारीक बारीक पीस कर इसमें सब में मिक्स कर लिया, और हमने ऊपर से डाला थोड़ा सा देसी घी इसको सॉफ्ट बनाने के लिए, और उसमें हमने इसको दूध से मिक्स किया। सारी मिक्सिंग हमारी दूध से हुई है, इसमें बिल्कुल भी कुछ पानी वगैरह कुछ भी डाला, और देखो बहुत ही अच्छे से हमने इसको मिक्स किया कि कम से कम इस केक में, हैंडमेड केक में बहुत अच्छी खुशबू आए और बहुत अच्छा खाने में लगे। बस हमने कंटेनर में थोड़ा सा घी लगा के हल्का सा हमने इसमें इनो डाला, जिससे थोड़ा फूल जाए, पफी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसको हमने बहुत अच्छे से करीब करीब 10 मिनट तक हमने इसको मिक्स किया, और उसके बाद जो माइक्रोवेव का बाउल आता है उसमें हल्का सा घी लगा के उसमें हमने ये सारा जो भी हमने मिक्सर बनाया था वो हमने इसमें डाला, और ये हमने रख दिया माइक्रोवेव। ये हमारी बहुत ही सिंपल सी केक की रेसिपी थी जो हमने आपको बताई, जो हमने उनके बर्थडे के लिए बनाई, और करीब करीब 15 से 20 मिनट में हमारा ये केक बनके तैयार हो गया। और देखो कॉर्नर में वहाँ पर एक छोटी जगह हमने उनको वहाँ बिठाया हुआ था, जिससे उनको हमने कुछ भी नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं किचन में, और उनको हमने आराम से वहाँ ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उसके बाद देखिए हमने केक को कितने अच्छे से डेकोरेट किया, ऊपर सारा बादाम और काजू को बहुत ही बारीक बारीक काट के 58 लिखा, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन हो गई हैं और उनको स्पेशल हमने 58 बर्थडे था वो बनाया उसका केक। और साइड में देखिए हमने सारी इसमें चॉकलेट्स को ग्रेट किया है, उससे हमने इसको चारों साइड से कवर कर दिया, और ये सारे देखिए काजू और बादाम बहुत बारीक बारीक हमने उसको काटा है, और उससे हमने इसको डेकोरेट किया है।
बहुत ही अच्छा लग रहा था, बड़ा सिंपल सा केक था बट देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद हमने उनको अंदर भेज दिया और हमने टेबल को बड़े अच्छे से डेकोरेट किया। 58 बर्थडे तो 58 तो कैंडल जला नहीं सकते, तो साइड में हमने दिए रखे और एक कैंडल हमने जला दी जिसको वो ब्लो नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कैंडल को कभी भी हम बुझाते नहीं हैं, तो हमने साइड में उनकी लाइटनिंग के लिए एक छोटी सी कैंडल भी रखी। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। जब ये सब हमने डेकोरेट कर लिया उसके बाद लास्ट में हमने उनको बुलाया, ये देखिए। और वो ग्रीन पहन के थे, हमने उनको देखा कि वो ग्रीन कलर का पहना, तो हम सब ने भी ग्रीन कलर का ही पहना, तो एक ड्रेस कोड सा हमारा बन गया था। तो देखिए हमने उनको वहाँ पर बिठाया कि क्या कि बहुत ही खुश थी वो, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या, वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे उनके मुंह से। उसके बाद उनकी बहू ने उनका टीका किया, रोली लगाई, चावल लगाए, जो भी पूजा वगैरह होती है शुभ काम की वो किया। और उसके बाद उनको ऐसे पहनाया हैप्पी बर्थडे का, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि एक सीनियर सिटीजन तो वो भी एक बच्चे की तरह हो जाता है, उनको भी वैसे ही फील कराना चाहिए। तो बड़े अच्छे से उनको लगाया और ऊपर से लगाया टियारा, वो भी सब हमने रखा हुआ था, टियारा लगाया। और देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये, बिल्कुल बर्थडे गर्ल लग रही हैं अभी। और कितने आराम से बैठी, जैसे बच्चे खुश होकर बैठते हैं ऐसे वो बैठी हैं। बस अब केक कटिंग का टाइम आ गया। और देखिए ये मंदिर से पहले वो मंदिर में पूजा करके फिर आकर वो बैठी थी। और वीडियो कॉलिंग पर उनकी बेटी और उनके बड़े दामाद थे। उनकी बेटी के बेटे ने देखो बहुत अच्छा उनको बर्थडे संस्कृत में, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, संस्कृत में उन्होंने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया। मासा जी गाएंगे ना हिंदी में हैप्पी बर्थडे, सुनो जाओ। दीवान तो संस्कृत में गाने वाले हैं, बोलो तो। शुभ जन्म दिनम तुभ्यम, शुभ जन्म दिने तवहे, सकलम सफलम भूयात, सकलम सफलम भूयात। अरे वाह। उसके बाद फिर फोटो सेशन हुआ और उनके सबसे पहले बेटे ने उनको केक खिलाया और उसके बाद उनकी बहू ने खिलाया और उसके बाद आई फिर हमारी बारी। जी शेर सुना रहे हैं आपको, खुशबू थे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं है। वाह 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 वाह, और बस सबके केक खिलाने के बाद आई हमारी बारी। दोनों समधन ने बहुत ही अच्छे तरीके से बर्थडे मनाया, देखो कितनी खुश हैं। उन्होंने उन्होंने मुंह मीठा कराया और बहुत ही अच्छे से बर्थडे को सेलिब्रेट किया। और ये बर्थडे हमारे लिए बहुत ही यादगार साबित हुआ, बहुत ही अच्छे से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्म जन्मदिन, क्या जन्मदिन, बहुत बहुत मुबारक हो। बार बार ये आए
बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।